सभी को नमस्कार। लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम पंडोर डैम वैकल्पिक मार्ग, जो मंडी की मार्ग है, जो पंडोर डैम से आगे नेशनल हाईवे पर कैंची मोड़ का रास्ता था, वो 14 अगस्त को भारी बारिश के कारण टूट चुका है, जिसका कार्य जारी है। और उसको लेके वैकल्पिक मार्ग जो ये बनाया गया था, शुरू शुरू में जो ये वैकल्पिक मार्ग बना था तो काफ़ी ख़राब था, स्थिति ख़राब थी, गाड़ियां यहां पे धस रही थी, बड़ी गाड़ियां चढ़ने में मुश्किल हो रही थी। तो अभी इसको प्रशासन द्वारा और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बिल्कुल अच्छे तरीके से बना दिया गया है और बड़ी गाड़ियां चढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ भी अब कितनी आसानी से चढ़ रही हैं। मौसम 2-3 दिन से साफ है, तो अब जो सरिया सीमेंट लोड गाड़ियां हैं वो भी आसानी से चढ़ रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी इन्हें नहीं आ रही है, बिल्कुल सुचारू रूप से यहां से ट्रैफिक चला हुआ है। बता दें कि परसों रात को जो दुलोगी के पास टनल के मुहाने के सामने जो लैंडस्लाइड हुआ था, तो 2 दिन रास्ता बंद था, तो कल शाम से ट्रैफिक वहां से निकलनी शुरू हो गई है। कल जो कुल्लू से ट्रैफिक छोड़ी गई थी और रात को इसके सुरक्षा की दृष्टि से लेकर दुलोगी वाले रास्ते को बंद किया गया था। और आज सुबह लगभग 6 बजे से रेगुलर पंडोर की तरफ से कुल्लू के लिए मना, ये देखिए आप डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ भी बड़ी आसानी से स्मारक से जा रही हैं। पहले जो आप देख सकते थे ये रास्ता डंपिंग पॉइंट था, डंपिंग पॉइंट में से इस रास्ते को निकाला गया है। और शुरू शुरू में यहाँ दलदल होने के कारण गाड़ियाँ धस रही थी, बड़ी गाड़ियाँ चढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। और अब इस रास्ते को मक डालकर और गटका वगैरह डालकर, GSP डालकर बिल्कुल बढ़िया किया गया है। अब ये रास्ता बिल्कुल सुचारू हो चुका है बड़ी गाड़ियों के लिए। अभी देख सकते हैं आप, बड़ी गाड़ियाँ बिल्कुल आसानी से चढ़ रही हैं। ये है पंडोर डैम का वैकल्पिक मार्ग। पंडोर डैम से नीचे की तरफ क्रॉस होकर हम गाड़ियाँ इस रास्ते से ऊपर आ रही हैं। तो यहाँ से घूमकर ऊपर देख सकते हैं, पुराने रोड से होकर ऊपर, जो पंडोर का बहुत पुराना डैम से पहले नेशनल हाईवे था, वहाँ से होकर गाड़ियाँ जा रही हैं। ये सारा वन वे रास्ता है। आप देख सकते हैं पंडोर के डैम के ऊपर भी गाड़ियाँ बिल्कुल लाइन में लगी हुई हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं बिल्कुल लाइन में गाड़ियों को निकाल रहे हैं कि जाम की कोई व्यवस्था ना बने। नीचे तक काफ़ी लंबी लाइन गाड़ियों की लगी हुई है, जो मंडी की तरफ से आ रही हैं गाड़ियाँ कुल्लू मनाली ले जाने के लिए, सभी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। भारी भड़कम गाड़ियाँ भी यहाँ से देखें आप, बिल्कुल आसानी से अभी चल रही हैं। हालांकि अगर बारिश होगी तो तब दिक्कत हो सकती है गाड़ियों को चढ़ने के लिए, बड़ी गाड़ियों को। अभी आसानी से गाड़ियाँ निकल रही हैं। और यहाँ पर जो बदार इलाका जो यहाँ पड़ता है धरम विधानसभा क्षेत्र का, उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे 10-10 घंटे की समय सारिणी बनी थी, तो उनके स्कूली बच्चों को, लोगों को पंडोर आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही थी। तो उनके लिए भी पुलिस प्रशासन द्वारा टाइमिंग, बीच बीच में टाइमिंग दी गई है कि उनकी गाड़ियाँ या बच्चों की जो स्कूली बसें हैं वो क्रॉस हो सकती हैं, तो उनकी भी परेशानियाँ दूर हो चुकी हैं। ये देखिए आप, सारे बड़े मालवाहक वाहन हैं जो आसानी से इस रास्ते से चल रहे हैं। अभी जो है मंडी से कुल्लू की तरफ ट्रैफिक छोड़ी गई है, जो गाड़ियां फंसी हुई थी पंडोर से लेकर डहर 4 लाइन तक गाड़ियां फंसी थी। मालवाहक जितने भी वाहन थे सबको निकाला जा रहा है कुल्लू की तरफ। और पिछले कल शाम 4 बजे के बाद, दिलोगी के बाद रास्ता खुलने के बाद, कुल्लू की तरफ से सारी ट्रैफिक जो सब्जी फ्रूट की गाड़ियाँ थी उनको सबको भेज दिया गया है। तो इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।